पेरिस में चल रहे ओलंपिक 2024 में भारत के खिलाड़ी मनु भाकर ने शूटिंग में दूसरा कांस्य पदक जीत लिया। कांस्य पदक मनु भाकर ने अपने साथी खिलाड़ी सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता। 2024 के ओलंपिक खेलों में मनु भाकर पहले भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी। ये टूर्नामेंट के इस संस्करण में देश के लिए पहले मेडल भी थे। उन्होंने पिस्टल शूटिंग में इसे अपने नाम किया। आपको याद हो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में तकनीकी खराबी के कारण वो मेडल जीतने से चूक गई। ऐसे में उन्होंने शानदार वापसी की। मनु भाकर तब इतनी निराश हो गई थी कि उन्होंने खेल को अलविदा कह पढ़ाई और अन्य सेवाओं में अपना करियर बनाने का मन बना लिया था। 2023 में कोच जसपाल राणा ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मनु भाकर से कहा कि वो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शूटरों में से एक। ऐसे में उन्हें निर्णय लेना है कि वो अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहती। इस ओलंपिक में मनु भाकर ने देश के लिए पहला मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। शूटिंग में मेडल के लिए भारत ने 12 वर्षों का इंतजार किया। आज मनु भाकर के पास 2 ओलंपिक मेडल। कभी एक गलती पर 36,000 रुपये फाइन देने पड़ते थे। मनु भाकर ने लिखा अपना नाम इतिहास। श्री कृष्ण की सीख और कड़ी ट्रेनिंग से बनी शूटिंग स्टार। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में जीत लिए 2-2 मेडल। मनु भाकर को आज हम लोग एक मशहूर भारतीय खेल निशानेबाज खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मनु का संघर्ष बहुत बड़ा है और उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज उन्होंने ओलंपिक्स में इतिहास बनाया। जाहिर है एक प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने के बाद मनु को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया हो, लेकिन क्या ऐसे हाल उनकी पहचान बनने से पहले भी थे या नहीं? एक समय था जब मनु के पास अपनी पिस्टल तक नहीं थी, वो अपने सर की पिस्टल से प्रैक्टिस किया करती थी। आज उसी मनु भाकर ने कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया है।